मंगलवार मोहन भागवत स्वतंत्रता सेनानी जन्म जयंती अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तेवो श्रद्धांजलि आपवा माटे हाजरी आपी दी। त्यारे जे प्रकारना अपडेट्स मळी रह्या छे जो तेना पर नजर करवामां आवे तो बुधवारे तेओ पश्चिम बंगाळमां आरएसएसना टोचना कार्यकर्ता साथे पण मुलाकात करशे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना वडा मोहन भागवत सोमवारथी पश्चिम बंगाळनी 3 दिवसीय मुलाकाते छे। राम मंदिर उद्घाटन समारोहमां हाजरी आप्या बाद तेओ सोमवारे सांजे अयोध्याथी रवाना थया हता ने त्यारे तेओ पश्चिम बंगाळमां आरएसएसना कार्यकर्ताना घरे लग्न समारोहमां हाजरी आपे तेवी शक्यता घणा समयथी सेवाई रही हती अने त्यारे मंगळवारे तेओए स्वतंत्रता सेनानी जन्म जयंतीना अवसर पर तेओए नेताजी सुभाषचंद्र बोसने श्रद्धांजलि अर्पण करी हती। ते कार्यक्रममां हाजरी आपी हती। बुधवारे तेओ पश्चिम बंगाळमां आरएसएसना टोचना कार्यकर्ताओ साथे मुलाकात करशे। एक महीना करता ओछा समयगाळामां भागवतनी पश्चिम बंगाळनी आ बीजी मुलाकात छे। गया वर्षे डिसेम्बरमां तेमणे शहेरनी मुलाकात लीधी हती अने नागरिक समाजना अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तिओ साथे वातचीत करी हती। आरएसएसना वडा मोहन भागवते बोसनी जन्मजयंतीना कार्यक्रममां भाग लेता तेमना भाषणमां खास कह्युं हतुं के सपनाओ अधूरा छोड़वा जोया न हता ने तेओ जाणता हता के आ मात्र एक पेढ़ीनुं काम नथी, तेना पर सतत काम करवुं पड़शे, आजीवन तेना माटे पूरतुं नथी। अने त्यारे तेमणे एवी प्रेरणा छोड़वानुं विचार्युं के पेढ़ीओ पेढ़ीओ सुधी आ काम चालू रहे। सुभाष चंद्र बोस आधुनिक भारतना आर्किटेक्ट्समाना एक हता, एटला माटे ते आपणे बीजा जीवन माटे चारित्रथी तेने तेमना गुणोथी वाकेफ थवुं जोईए। શું આપણે ખરેખર જાણીએ છીએ કે સ્વતંત્રતા સેનાનીઓએ દેશ માટે કયા સ્વપ્નો સાથે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું હતું? આઝાદી મળ્યા પછી આપણે સૂઈ ગયા કે આપણે સ્વાર્થ સાથે ને એમના પરિવાર અને હુંથી આગળ શું કશું દેખાતું જ નથી। આવા અહંકાર, સ્વાર્થ અને મતભેદોના બંધન અત્યારે ચાલુ રહે છે અને તેથી આપણે નેતાજીના આપણા પરના ઉપકારને કૃતજ્ઞતા સાથે યાદ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે તેવું તેમણે ઉમેર્યું। ये देखेंगे तो उनको समाधान होगा। वो स्वप्न उन्होंने जो लिया था वो अधूरा छोड़ने के लिए नहीं लिया था, वो जानते थे कि एक पीढ़ी का ये काम नहीं है, निरंतर करना पड़ेगा। मेरा जीवन शायद इसके लिए पूरा नहीं पड़ेगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं ऐसी प्रेरणा देकर जाऊंगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलेगा। और कभी तीव्र प्रचंड वेग से, कभी क्षीण वेग से, लेकिन वो प्रेरणा अपना काम कर रही है, ये प्रवाह चल रहा है। आत्मदर्शन संपन्न, चारित्र्य संपन्न पीढ़ी देश के लिए जीने मरने को खड़ी होनी चाहिए। संघ क्यों करता है? संघ उनका स्मरण क्यों करता है? प्रतिवर्ष यहां नेताजी प्रणाम क्यों करते हैं? उनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, लेकिन उनके जीवन के स्मरण की प्रेरणा हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, इसलिए करते हैं। और केवल इतना मन में विचार करते नहीं, उसके लिए रोज परिश्रम करते हैं, अपने देश के जीवन को मोड़ देने का परिश्रम करने लायक अपना शरीर मन बुद्धि बने, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। उसके लिए रोज शाखा में कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों को उत्कृष्ट करेंगे, सांघिक करेंगे, बिना किसी गलती के करेंगे, आनंद से, उत्साह से करेंगे, तो अपना तन मन उसी शक्ति से भर जाएगा। क्योंकि ये परिश्रम हम इसलिए नहीं कर रहे कि मैं पहलवान बनूं, मैं कोई फिजिकली बड़ा ट्रेंड आदमी बनूं, ये हम इसलिए करते हैं कि हमको देश का काम करना है। हम शाखा में इसलिए आते हैं कि हमको अपने समाज को बड़ा बनाना है। अपने स्वार्थ का विचार न करते हुए अपने समाज, राष्ट्र, देश, धर्म, संस्कृति के हित में हम ये सारा परिश्रम करते हैं। कितना अचूक करते, कितना सतत करते, कितना लग कर करते, इस पर अपनी शक्ति निर्भर है, कितनी शक्ति तैयार होती है। और ऐसी शक्ति जब तैयार होती है तो फिर बड़े बड़े असंभव लगने वाले काम
अपने सामूहिक बल के आधार पर हम संपन्न कर लेते हैं। हम लोगों का 100 साल का अनुभव होने जा रहा है, अभी 98 साल का अपने पास है। विजेत्री चर संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षण परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराट। सुभाष बाबू का ध्येय, सुभाष बाबू का चिंतन और हमारा चिंतन, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम उनको अपने पथ का आलोड़न कैसे करना है इसका एक मूर्तिमान उदाहरण मानते हैं। सबको जोड़कर, किसी के साथ कलह न करते हुए, अपने आप को सक्षम बनाते हुए, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक पूरा होते तक इसी काम को करना है। हम अगर ऐसे नेता कौन कौन थे ऐसा देखेंगे तो बहुत थोड़े नाम उस समय के हमारे सामने आते हैं। लोकमान्य तिलक थे, महात्मा गांधी जी थे, बाबू सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे और संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे। लोकमान्य तिलक जी को तो इन सब में सीनियर थे, वो पहले चले गए, लेकिन बाकी चारों लोग समकालीन थे। और उनके करने से भारत का भावी भविष्य बना है। आधुनिक भारत के शिल्पकारों में सुभाष बाबू का नाम है और इसलिए उनके जीवन चरित्र का, उनकी गुणवत्ता का परिचय हम सबको होना चाहिए। हमारे मन की जो कृतज्ञता है वो स्वाभाविक है। त्याग बलिदान से जिनके यह स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई और आज भारत विश्व पटल पर एक महान देश बनने जा रहा है, उसके मूल में इन लोगों के त्याग बलिदान है। और इसलिए कृतज्ञता पूर्वक सुभाष बाबू को हम याद करते हैं। लेकिन हमने ये भी गीत में सुना कि हे वीर नेताजी, आपका सपना तो अभी अधूरा है, हम जानते हैं। क्या वास्तव में हम जानते हैं किन सपनों को आंखों में रखकर देशभक्तों ने देश के लिए सर्वस्व समर्पण किया? क्या हमने कभी विचार किया है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात फिर से हम सो गए, अपने स्वार्थ में निमग्न होकर, मैं और मेरा परिवार इसके आगे कुछ देखते नहीं। अहंकार, स्वार्थ और भेद की बेड़ियां जैसे पहले थी वैसे ही रखकर, अगर हमें कर्मकांड के नाते ये स्मरण करते तो उसका उपयोग नहीं है। और इसलिए हम लोगों को आवश्यक है कि आज के दिन नेताजी का हमारी पीढ़ियों पर जो उपकार है उसका हम कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि दें। नेताजी ने अपने जीवन में देश के लिए जो जो किया उसके गौरव का हम वर्णन करें और उसके लिए नेताजी की जो तपस्या थी उस तपस्या के आधार पर जिस गुणवत्ता का उन्होंने परिचय दिया उस तपस्या का और उस गुणवत्ता का हम अनुसरण करें।